मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 सितंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित होगा। शिविर की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने सोमवार को बैठक ली। कलेक्टर ने समस्त नोडल अधिकारी एवं शिविर प्रभारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्रताधारियों के आवेदन की प्रक्रिया की जाकर शिविर में ही निराकरण का प्रयास करें। इन शिविरों में 14 विभागों की 33 योजनाओं से पात्रताधारियों को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। शिविर स्थल पर समग्र आईडी वेरिफिकेशन, ईकेवाईसी अपडेशन कार्य, बैंक खाता खोलने, बैंक बीमा फॉर्म प्राप्ति सहित अन्य कार्य भी किए जाएंगे। अभियान के तहत प्रत्येक जनपद स्तर पर एक दिन में दो अलग अलग ग्रामों में सुबह व दोपहर को शिविर का आयोजन होगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की मॉनिटरिंग ऑनलाइन होगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। इसके बाद भी बड़ी संख्या में हितग्राही आते हैं, उनके काम नहीं होते, कई बार बहुत छोटी छोटी चीजों के कारण उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। तो आमतौर पे अभी होता क्या है कि हितग्राही खुद आता है। इस योजना का उद्देश्य है कि हमें उनकी हैंड होल्डिंग करनी है। हैंड होल्डिंग मतलब हाथ पकड़ना है। और अब ये जो दायित्व है योजना का लाभ दिलाने का, आमतौर पर क्या होता है, आवेदन करना, मतलब आवेदक जो है उसकी जिम्मेदारी है। इस योजना का मूल भाव यह है कि ये जिम्मेदारी आप लोगों की, उस व्यक्ति को योजना का लाभ मिले ये जिम्मेदारी आप लोगों की। आप लोगों में मैं भी शामिल हूँ, सीओ साहब भी शामिल है, सारे अधिकारी शामिल हैं। तो पहली इस भावना को समझो कि इस योजना के लाभ दिलाने की जिम्मेदारी आवेदक की नहीं है, नोडल अधिकारी और उसकी टीम का है। आज मैंने नोडल अधिकारियों को क्यों बुलाया, आप लोगों की ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग हुई होगी, आप ऐसे भी पढ़े लिखे लोग। इस पूरे अभियान के सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो नोडल अधिकारी है, क्योंकि हम सारे दल के दल में आंगनवाड़ी वर्कर्स भी है, सचिव है, जीआरएस है, पटवारी भी है और भी आशा वर्कर है, एएनएम है, हम सबसे बात नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि एक बार नोडल अधिकारियों को उनके दायित्व और कर्तव्य और उनको करना क्या है अगर ठीक से समझा दें तो आप लोग डाउन द लाइन है। जैसे देखो ट्रेनिंग का बहुत महत्व है, हम लोग इसकी वैल्यू नहीं करते। किसी भी योजना की सफलता निर्भर इस पर करती है कि आपको जो लोग काम करने वाले हैं उनको कितनी जानकारी है योजना के बारे में। अब जैसे मान लो इस योजना के बारे में अब तक 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकी, 2 में चीफ सेक्रेटरी साहब उपस्थित थे और 3रे में सीएम साहब उपस्थित थे। इससे आपको योजना की गंभीरता का अंदाजा लगेगा। एज ए नोडल अधिकारी अब तक आपको अपने टीम की पहचान हो जानी चाहिए। अगर अब तक आपके अपने टीम से संवाद नहीं हुआ है तो आप 2 दिन पीछे हो गए। तो इस मीटिंग के बाद पहला काम ये करना होगा जनसेवा अभियान की कल से शुरुआत है, तो सारे नोडल अधिकारी जो शिविर के प्रभारी हैं उनको एक बार इसके उद्देश्यों के बारे में बताना था, इसलिए ये मीटिंग रखी गई। सर, खरगोन जिले के 3 नगरी निकायों में मतदान होना है और इसमें प्रशासन की क्या तैयारी और कब मतदान है? जहाँ 3 जगह मतदान होना है वहाँ पे जो ये कैंप है उसके बाद लगेंगे और उसकी तैयारियाँ पूरी, अभी भी पूरे जिले में अधिकारी कर्मचारियों ने पूरे जिले के चुनाव कराए, अभी तो सिर्फ 3 जगह ही है, तो शांतिपूर्ण मतदान होगा और जो निर्देश है उसका पालन करके मतदान कराया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।